हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे, जैसे कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था, मैं एक स्टॉक को भी इंक्लूड कर चुका हूँ आज इस वीडियो पे। तो पार्ट डे की तरह हम इस वीडियो पर भी एलियट वेब, नियो वेब, गान थ्योरी के माध्यम से देखेंगे कि मार्केट का अगला स्टेप क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो पे मैं बहुत कुछ इंक्लूड कर चुका हूँ, तो इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वीडियो पे मैं एक साथ बहुत कुछ आप लोगों का रिक्वेस्ट जैसा था उस हिसाब से मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले मैं पार्ट डे की तरह निफ्टी का 2 आवर से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद बैंक निफ्टी फिन निफ्टी को भी देखेंगे। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे। जैसे कि जब मार्केट इस पार्टिकुलर बॉटम को हमने कैच किया था, तो उसके बाद इधर से जब मार्केट अपसाइड पे जा रहा था, तो हमारा काउंट क्या था कि या फिर हमारा जो अपसाइड का रेजिस्टेंस मार्केट कहाँ से फेस कर सकता था। तो आई थिंक आई हैड ऑलरेडी क्लियरली डिस्कस्ड कि मार्केट जो है, ये वाला जो लेवल होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर ये होगा हमारे लिए सेकंड टारगेट, क्योंकि ये फिफ्थ वेव हमको लाग रहे हैं। तो इधर से मार्केट, ये जो मीडियन लाइन है, इधर से भी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं एंड मार्केट अल्टीमेटली उधर से ही फॉल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस फॉल का भी हम डाइसेक्ट करने का कोशिश करेंगे, बट इधर से अभी के लिए जब ये बड़ा चैनल के नीचे मार्केट जब तक रहेगा, मार्केट और कुछ भी सही, बट इट डजंट लुक बुलिश एट ऑल। ओके, और ऑब्वियसली इस फॉल को आप एक अलग से चैनल के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इधर से फॉल करेगा, उसके लिए बस एक लॉजिक या कि ये चैनल को तोड़ दिया, ये एक लॉजिक हमेशा काफी नहीं हो। तो इसीलिए हमको दूसरा जो लॉजिक है, उसको भी मैं आज इस वीकेंड का वीडियो भी मैं क्लियरली डिस्कशन करूंगा। वो लॉजिक ये था कि ये जो पार्टिकुलर जहां पर हमने ये थर्ड से, आप अगर देखेंगे ये जो फोर्थ वेव है, ये थर्ड से फोर्थ वेव जो है, इसको हमने कैसे मार्क किया। इट लुक्ड लाइक WXY, राइट। हमने इसको ऐसे मार्क किया था जहां पर वाई पे एक एंडिंग डायगोनल वी हैव मार्क। तो इसके लिए कितना बार्स लिए थे, टाइम कांसेप्ट को देखिए, 117 बार्स, राइट, यानी कि 42 डेज 2 आवर्स और समथिंग लाइक दैट, लगभग 116-117 बार्स लिए। अब जब भी ये फोर्थ वेव जहां पर भी आपका मार्किंग होगा, यानी कि ये जो एक करेक्शन, ऑब्वियसली मार्केट को ये बोला जाता है मार्केट 80% ऑफ द टाइम करेक्शन के भीतर रहते हैं, बट इधर ये लॉजिक जो था ये है कि ये अगर मेरा फोर्थ वेव है, अभी तक जिसको मैं फोर्थ वेव मार्क किया हूँ, ये बने हैं 117 बार्स के करीब करीब, लगभग 110-120 बार जो भी बोले। लेकिन ये जो फिफ्थ वेव है, ये जब मार्केट सपोज कि ये फोर्थ वेव एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन यानी कि WXY पे रहेगा, तो ये जो फिफ्थ वेव होगा ना, वो इधर से बहुत ही कम समय पे बनेगा, जो कि इधर बने हैं 43 बार्स पे। यानी कि ये अगर फोर्थ वेव पे मार्केट ये लगभग लिए हैं, मान लेते हैं इसको एक राउंड फिगर के 120 बार, ओके, तो ये जो फिफ्थ वेव होगा, ये इसका लगभग जो अकॉर्डिंग टू मी स्पेशली इतना शार्पली जाएगा, तो ये नॉर्मली कितना टाइम पे बनेगा, इसका आधा यानी कि 1/2 या 1/3 समय पर भी बन सकते हैं। ऑब्वियसली ये फिफ्थ अगर फेलियर होंगे या फिर एक्सटेंड करेंगे तो ये अलग दिखेगा, बट ओवरऑल अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो इट लुक्स कि ये जो 120 बार्स लिए, ये लगभग इसका आधे या 1/3 जो टाइम के में इसके समय के अंदर ही बन गए हैं। तो इसीलिए मार्केट जब इतना शार्पली जा रहे हैं, तो ये इतना कम समय पे 1/3 टाइम फ्रेम पर भी बन सकते हैं, ये इसने बन गया। एंड मार्केट जब इस चैनल और इस दोनों चैनल को भी ब्रेक किया और इतना कम समय पे ये शार्पली फॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट हैज एंटर्ड इनटू अ करेक्शन जोन। तो ऐसे करके चैनल के माध्यम से और ये जो एक छोटा सा टाइम कॉन्सेप्ट, इसके माध्यम से भी हम ये जो टॉप है इसको भी हम कैचिंग कर सकते थे, या फिर ओवरऑल एक आइडिया लगा सकते थे कि कौन सी जगह के आसपास और कौन सा टाइम फ्रेम के आसपास ये जो है ये अपना टॉप बनाएगा। और सेम चीज अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी पर भी क्या हो रहा है, तो बैंक निफ्टी पर भी मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी पर इधर बैंक निफ्टी का सेम 2 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इधर आई थिंक प्रीवियस डे पर ही मैंने डिस्कशन किया था कि इधर ये जो फ्लैट हो रहा है, तो इधर ये बी वेव बहुत ही बड़ा है, तो ए प्लस सी जो है ये मिलाकर बी बन सकता, तो इसीलिए सी वेव जो है ये इतना शार्प फॉल कर सक। तो मार्केट इसीलिए ये जो पार्टिकुलर डेट है इसके तरफ ही मार्केट आना चाहिए था, जो कि अराउंड 27-28 इसके आसपास है इस महीने का, तो इसकी तरफ ही मार्केट फॉल कर रहे हैं, जो कि क्लियर है। तो इधर आई थिंक अलग कुछ डिस्कशन का जरूरत नहीं है, पिछले दिन ही आई हैड ऑलरेडी डिस्कस। अब इसके बाद मार्केट जो है क्या फिर से ये अपसाइड पे जाएगा कि नहीं, वो मैटर है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बड़ा टाइम फ्रेम के साथ डिस्कशन करूंगा, देन ओनली इट विल बी क्लियर। बट हाँ, अभी के लिए जो ये लाग रहे हैं, तो ये जो मेरा ए वेव है, इसका ये जो लो पॉइंट है जिसको मैंने ये लो मार्क किया, तो इसके करीब करीब तक मार्केट जो है यानी कि बैंक निफ्टी आने का प्रयास करेगा, और बैंक निफ्टी कर भी वही रहे हैं अगर आप देखना चाहे तो।
ओके और इतना कम समय तक जो है टाइम वाइज आप देखेंगे तो इट इज ए होल्डिंग। अगर 2 आवर का टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी चलिए 30 मिनट्स पे चलते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का ही। तो पहले मैं निफ्टी का 30 मिनट्स पे जाना चाहूंगा। देखिए इधर जो मार्केट जब ऐसा चल रहा था तो ओब्वियसली जो हम लाइव मार्केट पे जो मार्किंग कर पाए हैं उन्हीं एक्चुअली हमारा नॉलेज है, और जो चीज हम नहीं ले पाए हैं उस पे हमारा कमियां है वो हमको मानना पड़ेगा, वो चाहे मेरे अंदर भी बोले या आपके अंदर, राइट। तो इधर जैसे कि मार्केट जब जा रहा था तो मेरा मार्किंग क्या था, ये जो निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है तो इधर हमारा मार्किंग था कि ये 1 है तो ये 2 होगा, तो ये 3rd होगा, ये 4th है, ये 5th के लिए जा रहे हैं, ये था एक ऑल्टरनेट काउंट। और हमारा मेन काउंट था कि ये 1 2 फिर ये जो है 3rd होगा, ये मे भी आपका 4th हो रहे हैं, देन 5th के लिए जा सकते हैं, या फिर 4th जो है थोड़ा शार्पली आने के बाद 5th के लिए जाएगा। बट इधर अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर है, ये 2 से जो इधर तक मैं अगर 3rd मार्क करूं, ये 1 2 ये मेरा 3rd है इधर से इधर तक का, तो ऑब्वियसली इसका लगभग 61 या उससे भी ज्यादा ये रिट्रेस कर चुके हैं, तो ये और कुछ भी सही एक प्रॉपर 4th वेव नहीं लग रहा। तो इसीलिए जो हमारा ऑल्टरनेट काउंट था उसको ही मेन काउंट बनाना पड़ेगा कि ये 1 2 3 4 5 हुआ है। तो इधर जो ये रूल ऑफ ऑल्टरनेशन बोलते हैं, रूल ऑफ ऑल्टरनेशन के तहत इधर इट वाज जस्ट ए सिंपल करेक्शन, यानी कि ये एक फ्लैट था वेव 2, तो ये जो वेव 4 होगा मतलब इट शुड आइडियली बी ए जिगजैग, यानी कि एक शार्प करेक्शन, राइट। यही हम लोग पढ़ते आए हैं बुक पे, बट बुक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। तो ये रूल ऑफ ऑल्टरनेशन सिर्फ शार्प एंड फ्लैट, यानी कि इसका दो डिफरेंट कैसे मोड है या फिर कैसा दिखते हैं उस पे नहीं, ये सिंपल के साथ कॉम्प्लेक्स का भी एक ऑल्टरनेशन दिख सकते हैं। जो इधर मुझे लग रहा है कि ये ऑल्टरनेशन दिखे हैं, बट इट वॉज जो मैंने डिस्कशन किया था और आज भी मैं डिस्कशन करूंगा कि ये WXYXZ शायद इधर बनाए हैं, तो इसीलिए ये हमारा एक 4th तो जो है एक कॉम्प्लिकेटेड 4th बने हैं जो कि एक ट्रायंगल नहीं है एक्चुअली। तो ये इसके बाद से ये 5th के लिए गए हैं एंड इधर एक एंडिंग डायगोनल बनाने के बाद एक शार्प फॉल कर रहे हैं, तो इधर भी रूल ऑफ ऑल्टरनेशन हुआ है। अब ये रूल ऑफ ऑल्टरनेशन जरूरी है देखना, क्यों मैं इसको 1 मिनट 5 मिनट पे जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा लॉजिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। मेरा मार्किंग गलत हो सकते हैं, मैं लॉस भी कर सकता हूँ प्रॉफिट भी कर सकता हूँ, बट मेरा जो लॉजिक है वो क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए निफ्टी का ही पहले मैं निफ्टी का दिखा लेता हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी को भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो निफ्टी का ये 15 मिनट का जो चार्ट होगा उसको मैं दिखाना चाहूंगा। तो ये जो है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो इधर देखिए इधर जो आई थिंक आपको दिख रहा है कि इस पार्टिकुलर जगह पे आई थिंक इधर 15 मिनट पे ये जो एक फिबोनाची और बाकी सबके माध्यम से मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। तो इधर हमारा मार्किंग क्या है, 1 ये है 2 देन ये जो है ये आपका 3rd है, जो ये वेव 1 का 161.8% का फिबोनाची रेशियो पे आए हैं, देन ये जो 4th वेव है ये 0 1 2 वाला ये ट्रेंड लाइन से रेस्ट लेने के बाद ये 5th के लिए जाए हैं, ओके इधर से चले गए हैं। तो ये जो है इसीलिए इसको 1 2 3 में मार्क किया, आप लोग अपने एंड से भी देख सकते हैं। तो ये होगा आपका 4th वेव, आप ये 4th इधर ये रेस्ट लिए हैं एंड ये जो 5th वेव है ये 4th वेव एंड 5th वेव दोनों को ही देखना पड़ेगा। तो देखिए ये 4th वेव मैं 5 मिनट पे जाकर दिखाऊंगा, नहीं तो इधर अभी भी ये क्लियर नहीं है। तो 5th वेव के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि इधर जो हमारा मार्किंग है तो इधर इस हिसाब से भी ये 1 2 3 4 5 का जो मार्किंग है उस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ये जो वेव 1 है एंड वेव 5 एक रिलेशन पे रहते हैं, ओके। नॉर्मली वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 होते हैं, ये होते हैं इन दोनों का मैं प्राइस या टाइम दोनों का ही ये एक रिलेशन होते हैं, एक दूसरे का 100% टाइम पे रहते हैं। एंड देन दूसरा जो रिलेशन है वो है वेव 5 जो होगा वो वेव 1 का कितना जाते हैं 0.618% का जो रिलेशन है इस पे रहते हैं। तो इधर मैं ये जो 0 से 1 टिल ये 4th पॉइंट का जो एंडिंग पॉइंट है ये हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं है जो मैं 5 मिनट पे जाकर दिखाऊंगा। तो ये 4th पॉइंट का एंडिंग तक मैंने मार्क कर दिया जो इस पार्टिकुलर जगह पे है, ओके। तो आपको दिख रहा है कि ये क्लियर जो है 61.8% का लेवल तक आने के बाद मार्केट में चला गए, तो इसीलिए भी हमारा ये मार्किंग था एक ऑल्टरनेट काउंट था जिसको बाद में अभी मैं बोल रहा हूँ मेन काउंट है। तो वो हमारा मार्क किया कि ये 1 और 5 एक दूसरे का 61% का लेवल तक गए। और अगर आपको लग रहा होगा ये तो सर आपने प्राइस को बात बताया तो अभी आप टाइम की बात भी बता दीजिए, तो उसके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा सेम 1 2 के बाद ये जो है ये 4th जो है मतलब जहां पर मेरा 4th अभी मैंने मार्क किया कि ये 3rd है ये 4th है, तो ये जो 5th वेव है ये यानी कि प्राइस के साथ साथ टाइम पर भी एक दूसरे का लगभग 100% एंड 61% का रेशियो पे रहते हैं। तो ये जो 61% का रेशियो है इधर तक ये आ गया था, इससे पहले जो टॉप बना था ये हमारा 5th होना नहीं चाहिए क्योंकि ये 61 तक आ ही जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं कि इधर से टॉप बनाने के बाद ये चले आए इधर से एक शार्प फॉल दिखा दे। तो इसीलिए वी कुड हैव होल्ड इट बिकॉज ऑफ आवर टाइम 61% एंड इसके बाद जो है ये 1
100% का टाइम है, एग्जैक्टली उसी जगह पे बना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट उसके आसपास बना। तो अगर मैं इधर से कोई ट्रेड इनिशिएट कर चुका हूँ ना, कि इधर से मैंने इस 4th wave के बाद से इधर से सब उसकी बाइक या ये मेरा एसएल था, तो मुझे कहाँ पर होल्ड करना चाहिए? क्या मैं इधर ही मान लूँ कि इधर हमारा टॉप बन गया फॉल कर रहेगा, या फिर आई कैन होल्ड विथ कॉन्फिडेंस? इस कॉन्फिडेंस के लिए हमको फिबोनाची टाइम साइकिल को भी देखना जरूरी है। और इधर से मार्केट जो है ये 4th के बाद ये 5th के लिए ये 100% का लेवल तक नॉर्मली जाते हैं, और ये 61% तक तो जाते ही। तो जब तक ये 61% का लेवल तक नहीं आया, वी कुड होल्ड इट। एटलीस्ट मैं अगर थोड़ा सा इधर से ट्रेंड लाइन डाल के बुक भी करूंगा ना, फिर भी वी कुड होल्ड इट मे बी अनदर 50% ऑफ आवर पोजिशन, कि ये इसके बाद थोड़ा और भी जाने वाले हैं। ओके, तो इस हिसाब से भी आप ये फिबोनाची टाइम कंसेप्ट के माध्यम से भी आप ये जो ट्रेड है इसको देख सकते थे। ये मैं 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ, तो ये बड़ा टाइम फ्रेम के बाद बोले, छोटा टाइम फ्रेम, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, हर जगह पे काम करते हैं 1 मिनट पर। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ इस पे ही काम करते हैं 15 मिनट या इससे कम पे काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो 4th wave की बात बोल रहा था कि रूल ऑफ ऑल्टरनेशन, तो वो निफ्टी का 5 मिनट पे जाकर वो भी देख लेते हैं, और आपका कोई संदेह तो वो भी मैं दूर कर देता हूँ। तो इधर ये जो पार्टिकुलर जगह, ये तो हमारा एक सिंपल फ्लैट था जैसे कि हमने डिस्कशन किया, तो इधर ये क्या था? तो इधर जो है जैसे कि मैंने जब ये बन रहा तो आई हैव डिस्कस्ड कि ये मेरा W हो या ये W हो, X तो यही बनेगा, तो ये W है, ये X है। तो इधर मार्केट पे जो एक लग रहा था, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आप लोग देखिए प्रॉपर्ली। तो ये जो है, ये जो मुझे लग रहा था, इट इज मे बी माय Y वेव। तो ये W हो गया, X हो गया, Y हो गया, देन ये जो है इट कैन बी माई X2, यानी कि अनदर X वेव। देन इस पार्टिकुलर जगह पे जो हमको दिखा, ये है हमारे लिए एक Z वेव। तो आप बोलेंगे ये एक्चुअली ये जो पैटर्न बना, इसको मैं क्या बोलना चाहूंगा, इसका नाम क्या है, राइट? तो इसको जो मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ ना, कि आप लोग बोलते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, मैं बोलता हूँ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड उसके साथ साथ कंबाइंड नाम का भी कुछ होते हैं, राइट? तो ये होते हैं वो कंबाइंड पैटर्न। ये क्या है? ऑब्वियसली ये कोई एक शार्प फॉल है, तो ये किसी भी हालत पे ये और कुछ भी सही, बट ये हमारे लिए फ्लैट नहीं हो सकता, राइट? ना ये एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल इतना शुरू में आता भी नहीं, तो ये ऑब्वियसली इट लुक्स सम काइंड ऑफ ए ज़िगज़ैग। तो मतलब ये ज़िगज़ैग है। ओके, तो ये W बना हमारे लिए काइंड ऑफ एन ज़िगज़ैग, चाहे आप इधर तक मार्क करें या इधर तक, इन बोथ द सिनेरियो। देन ये X जो है इट इज जस्ट ए कनेक्टिंग वेव, इसका कोई प्रॉपर नेचर नहीं होता, और जो होते हैं वो मैं एक अलग वीडियो पे डिस्कशन करूंगा, तो ये X के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये X है, फिर ये जो Y है, Y के अंदर ये क्या दिख रहा है? इट इज जस्ट ए क्लियर फ्लैट जो हमको दिख रहा है, राइट? ये इतना ऊपर गए हैं, तो ये अगर ABC है तो इट लुक्स लाइक ए फ्लैट सम काइंड ऑफ, राइट? जो मुझे दिख रहा था लाइव मार्केट पे, तो इधर तक आई वॉज क्लियर, बट इसके बाद X2 बनेगा, फिर ये Z बनेगा, यानी कि ये Z वेव बनेगा, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट, टू बी ऑनेस्ट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इधर से मार्केट ये खत्म कर दे, एंड देन ये 1, 2, 3, 4, 5 करके चले जाए। बट इधर बाद में जो हमारा मार्किंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो है कि ये WXY, यानी कि ज़िगज़ैग प्लस फ्लैट, ये ज़िगज़ैग प्लस फ्लैट प्लस इधर क्या बनाइए, ABCDE पे इट वॉज ए ट्रायंगल। तो मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि ये ज़िगज़ैग प्लस फ्लैट प्लस ट्रायंगल, तीनों एक साथ, अगर आपका कोई एग्जाम्पल चाहिए आप इसको रेफर कर सकते हैं, वो भी मैं 5 मिनट का चार्ट पे दिखा रहा हूँ। आई नो कि इसको मार्क करना इतना आसान नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मार्क कर दें कि ये मेरा Wave 1 बना, 2 पे ट्रायंगल आ गया, ऐसा ये हमारा मार्किंग नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि 2 पे ट्रायंगल नहीं आ सकता। तो बहुत सारे लोग जो ये गलत मार्किंग करते हैं, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर मार्किंग ऐसे होती है, एंड उसके बाद जो है मार्केट शार्पली चला गया। तो ये मार्किंग पे थोड़ा बहुत वैरायटी आपको और मेरे अंदर आ सकते हैं, जैसे कि आपका मार्किंग शायद ये होगा कि नहीं सर, ये मेरा इधर Z है, ये 1, 2, 3, 4, 5 हुआ है, ये भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल जो है हमारा इधर जो काउंट है, ये मुझे लग रहा है कि इट इज WXYZ हुआ है, ज़िगज़ैग प्लस फ्लैट प्लस ट्रायंगल हुआ है। ओके, और उसके साथ साथ जो 15 मिनट पे दिखा है, ये चैनल जो था इसके आसपास से, मतलब ये जो बेस चैनल या मेन चैनल जिसपे मैं वीडियो ऑलरेडी मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, बाय दिस वीक मैं इसको पब्लिश भी कर दूंगा। तो ये जो पार्टिकुलर चीज है, तो ये आपको आई थिंक दिख रहे हैं, और उसके बाद मार्केट जो है शार्पली चला गया। ओके, और दूसरा एक कारण है कि इधर मैं ये जेड वेव मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इधर तक अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 मार्क करूंगा, तो ये ओवरऑल हमारा काउंट पे सही नहीं बैठेगा, क्योंकि इसको मैं एक मार्क कर रहा हूँ क्या, इट इज लाइक एन एंडिंग डायग्राम, जिसका ये 4th wave के नीचे आ गया, तो हमको ये सेल करना चाहिए, दिस व्हाट आई यूजुअली से, राइट? तो इधर इस एंडिंग डायग्राम के अंदर भी मोस्टली मार्केट जो होते हैं वो होते हैं ऐसा 3, 3, 3, 3, 3, 3, ऐसे करके मार्केट चलते हैं, मतलब 3, 3, 3, 3, 3,
जो ट्रायंगल का सब वेब्स होते हैं उस टाइप के ही सब वेब इधर होते हैं, तो इसीलिए मैं इधर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा मार्क नहीं कर सकता। तो ये बड़ा काउंट के पे कुछ, एक छोटा काउंट पे कुछ, दूसरा ऐसा हमारा मार्किंग हो नहीं सकता, राइट। तो इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में जाकर समझाया कि ये क्या है, ताकि आपको प्रॉपरली लर्निंग मिले। मेरा काम ये नहीं है कि आप लोगों को टिप्स देना, मेरा काम है आप लोगों को प्रॉपरली सिखाना। तो दिस इज व्हाट आई कैन सी इट, या मेरा नॉलेज जो बोल रहे हैं, और उसके अंदर जितना हम पकड़ चुके थे वो भी मैंने क्लियरली डिस्कशन किया। और सेम चीज जो है अभी बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स, फिर 15 मिनट, 5 मिनट पर भी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो है इधर भी ये सेम है, तो बैंक निफ्टी पे इस मार्किंग को रखने का कुछ फायदा नहीं है। इट लुक्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 पे चले गए हैं, एंड ये जो है इट इज हैपनिंग, जो मैंने आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस की, काइंड ऑफ इट लुक्स ए बी सी हो रहे हैं। तो सी पे ये 5 वेव हो गए हैं, एंड देन शार्पली फॉल कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर बी हो गया बड़ा वाला, और बड़ा वाला सी के अंदर मार्केट फॉल कर रहे हैं। ये हमारा ओवरऑल मार्किंग था, राइट। तो अभी इसका 15 मिनट पे देखने का कोशिश करेंगे, बट उससे पहले ये जो चैनल है, इस चैनल को जब मार्केट ने तोड़ा, ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है ये सेकेंड वेव जहाँ पर हमारा मार्किंग है, और ये जो फोर्थ वेव का मार्क, ओके, तो ये सेकेंड वेव एंड ये जो फोर्थ वेव है, ये जो इस दोनों का एक लाइन है, इसको जहाँ पर तोड़ा, इस पार्टिकुलर जगह पर ही हमारा एग्जिट पॉइंट था, ओके। ये बस एक सिंपल ट्रेंड लाइन से दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का मुझे नहीं लग रहा कि कुछ जरूरत है, या फिर ज्यादा से इचिमुकु या मूविंग एवरेज इज मोर देन एनफ, ओके। तो इसलिए ओवर कॉम्प्लिकेशन मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। एंड ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो इधर जो है इधर ये क्या बन रहे हैं, ये जो है ये ए बी सी वही जो मैं दिखा रहा था। तो इधर इट लुक्स लाइक ये 1, 2, 3, 4, 5 अब क्यों है, क्यों, मतलब मेरा लॉजिक क्या है। आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड माय लॉजिक, बट फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि इधर मार्केट जो है ये क्या हो रहा है। मैं इस मार्किंग को अभी हटा रहा हूँ, तो इधर मार्केट जो है ये क्या दिखा रहे हैं, जो हमको क्लियरली दिख रहे हैं कि इधर से ये किजून लाइन को आप अगर देखेंगे ना, तो आई थिंक इधर आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं कि व्हाट मार्केट माइट बी डूइंग। ये जो है ये मे बी आपका 1, 2 देन अगेन सम काइंड ऑफ ए सेम वे पे ये जो है ये थर्ड फोर्थ जो है ये फिफ्थ के लिए आ रहे हैं। तो आई थिंक पिछला दिन मैंने, आप अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे, तो मैंने क्या डिस्कशन किया था कि ये कीजून लाइन के बाहर गए हैं, तो ये मे बी मेरा 2 ये थर्ड हो रहे हैं, एंड थर्ड के बाद जो है इस पार्टिकुलर जगह पे काइंड ऑफ एन एक फोर्थ तो बनने का कोशिश कर रहे हैं मार्केट, या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो एक ही चीज करने का कोशिश करना चाहिए था, बहुत कुछ खास नहीं, वो है कि ये सेकेंड वेव से ये जो थर्ड वेव, या फिर इससे पहले ये जो बीच में एक स्विंग बने हैं, एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, ये इचिमुकु के साथ साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाहर आएगा, तो ये जो फॉल था ये खत्म हो गया है। इतना आसान हुई थी मैं मार्क कर, क्योंकि ओवर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो कुछ खास नहीं होता। तो ये कैंडल पे इसके बाहर आए हैं, तो इसका मतलब मार्केट जो है इधर से नीचे चले, ऊपर चले गए हैं। तो ये जो शार्प फॉल था, इसका जो मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया, यानी कि आपका जो गाड़ी जो था, जो बहुत ही स्पीड से चल रहा था, इट इज गोइंग टू स्टॉप नाउ, या फिर एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ ब्रेक इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस शार्प मोमेंटम, ओके। सो हियर इट शुड आइडियली बी 4 जस्ट बिकॉज हियर किजून लाइन हैज ब्रोकन लाइक दिस, एंड दिस ट्रेंड लाइन हैज ऑल्सो बीन ब्रोकन हियर, ओके। तो ये भी एक लॉजिक हमारे लिए है, दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक, बट दिस इज इफेक्टिव लॉजिक, ओके। इट इज नॉट एनीथिंग वेरी स्पेशल, इट इज जस्ट वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव वे ऑफ काउंट। तो अभी चलिए इसका और थोड़ा टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जैसे कि 5 मिनट वगैरह पे। इधर भी कुछ खास नहीं है, वही सेम चीज जो है वही हो रहे हैं। तो इसके अंदर में भी सब वेव जो है ये शायद आपको देख सकते हैं, 1, 2 मे बी अगेन 1, 2 देन मे बी सम काइंड ऑफ 3, 4, 5, 3, 4, 5 ऐसा करके कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं मे बी, बट आई डोंट केयर मच अबाउट इट, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पे हमको पता है मार्केट फॉल करेगा, मार्केट वही कर रहे हैं। तो इधर से हमारा काम ये है कि जब भी ये किजून लाइन के पास जाएगा, चाहे इधर हो या फिर इधर हो, तो किजून लाइन के ऊपर गया, आई एम गोइंग टू एग्जिट एट हियर, फिर से जब इसके अंदर आ गया किजून लाइन के पास है, तो इस कैंडल पे फिर से हमारा एंट्री ये जो है ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, बट क्लोजिंग बेसिस पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे, चाहे 5 मिनट पर क्यों ना ले, बट इट शुड बी लाइक दिस। अब इधर और एक मैटर आ जा, जो बैंक निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम पे फिबोनाची टाइम साइकिल के माध्यम से मैं मार्क करूंगा, उसके बाद हम गन और जो स्टॉक्स की मैं बात बोल रहा था वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर, इधर हमारा क्या मार्किंग था या हमारा क्या काउंट था, राइट। तो इधर आई थिंक आई वॉज क्लियर कि ये जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 मुझे लग रहा कि ये हो गए हैं। अब इधर से मार्केट ये फॉल कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है एक गलती करते हैं कि आप लोग इसको ही 2 मार्क कर देते हैं एक फॉल को देखने के बाद, उसको बाद से प्राइस से इधर से इधर तक एक मेजर कर लेते हैं कि इसका कितना परसेंट आए हैं, एंड यू मार्केट एज 2। लेकिन ये 2 है या 2 के अंदर का 1 है, आई मीन ए है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। या फिर ये सपोज कि ये WXY करके फॉल भी तो कर सकता था, या फिर जैसे अभी हो रहे हैं कि
ये ए बी सी करके ऐसा मतलब एक फ्लैट जैसा शेप बना रहा है, ये भी हो सकते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है? ये सब जो इधर मैं टाइमिंग दिखा रहा हूँ ये भी काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से, बट उसके साथ साथ फिबोनाची टाइम साइकिल को देखना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली आप अगर ऑप्शन ट्रेडर है, डायरेक्शनल ट्रेडर है, तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है। सो व्हाट फिबोनाची टाइम साइकिल इज करेंटली सेइंग इन दिस रिगार्ड। ओके, तो इधर मैं बैंक निफ्टी का ये जो है आवरली चार्ट पर या डेली चार्ट पर जहां पर भी देखना चाहे सेम ही है, सेम लो एंड सेम जो हाई है, दोनों को ही मैंने कनेक्ट किया। तो इधर आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो है ये किस दोनों को मैंने कनेक्ट किया, इधर से इधर तक, मतलब ये क्या है, इधर से इधर तक मार्केट जो है इट इज जस्ट एन इम्पल्स वेव। ठीक है, ये जो है ये इट इज जस्ट एन इम्पल्स वेव। तो अब ये अगर हमारे लिए इम्पल्स वेव है तो एज इट लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ, तो ये जो है इफ इट इज जस्ट एन शार्प अप मोमेंटम, ये शार्प अप मूव, तो ये अगर मेरा वन है, मैं इससे पहले क्या है उसको मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो ये अगर मेरा वन है तो ये टू कहाँ तक बनते हैं, प्राइस कहाँ तक बनते हैं? आई थिंक यू ऑल नो दैट कि 50%, 61% या फ्लैट हो रहे हैं तो 38%, जो कि ये फोर्थ वेव के करीब करीब होते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। बट ये टाइम पे क्या होते हैं, देखिए टाइम पे आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वेव जो टू होगा ये नॉर्मली ये वेव वन का, ये जो है ये वेव वन का 50% जो है ये फिब रेशियो पे आते हैं मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या इससे पहले इधर तक, मतलब जो 50% का रेशियो है, इससे पहले क्या इधर हमारा टू खत्म हो सकते हैं? इस पांच वेव को मैं बस वन या फिर ए जो भी मानना है मानिए, ये टू या बी क्या इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इधर से जो है इट विल बी जस्ट एंड लाइक दिस। ओके, तो चाहे ये ऐसा शार्प फॉल कर या ऐसा फ्लैट जो भी बनाए, ये टू नहीं हो सकता, इसके बाद एक मूवमेंट अपवर्ड दिखेगा, देन मार्केट कैन फॉल। ओके, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये 50% का जो लेवल है इधर मार्केट ने टच कर गए हैं अभी के लिए जो हमको दिख रहा है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये जो है ये कहाँ तक खत्म हो सकते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। तो अभी चलिए जो गान टाइम साइकिल है उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। अभी तक मैं गान का एक ही स्ट्रेटेजी दिखा था, तो उसके साथ साथ जो है अभी मैं दूसरा स्ट्रेटेजी या दूसरा जो एक ईयरली डेट्स होते हैं वो भी मैं आपके साथ थोड़ा दिखाऊंगा, तो चलिए उसके तरफ चलते हैं अभी गान पे। तो अभी हम आ गए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ये जो है हमारा फिन निफ्टी, तीनों का ही वीकली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद मैं डेली टाइम फ्रेम पर भी जाऊंगा, अब वीकली पे दिखा रहा हूँ ताकि मैं ओवरऑल पिछले कुछ सालों का व्यू दे पाऊँ आप लोगों को। अब देखिए गान पे कुछ डेट्स होते हैं जो फिक्स डेट्स है, तो उसमें से एक जो है ये है 23rd जो है ये सितंबर का है। अब आप बोलेंगे 23rd सितंबर, क्या पूरा साल में एक ही डेट आते हैं? नहीं, ये पूरा साल में एक डेट नहीं आता, चार डेट आते, लेकिन अभी ये सितंबर महीना चल रहे हैं, मैं इसीलिए जो सितंबर महीने पे ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहते हैं वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये 23rd जो सितंबर पे मार्केट क्या किए हैं, ये सब जो है ये 23rd सितंबर या 23rd अगर किसी कारण छुट्टी रहा है या मार्केट क्लोज रहा है सैटरडे संडे के कारण, जैसे कि इस बार भी हुआ है, तो मैं 25th को मैंने मार्क कर लिया। ओके, और 24th, 25th जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है, तो इधर जो है आई थिंक आपको दिख रहे हैं कि इधर देखिए चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पे मार्केट जो है इधर क्या बनाए, काइंड ऑफ एन बॉटम, फिर इधर इसके आसपास एक टॉप बनाए हैं, फिर इसके आसपास सेम जो है एक टॉप या बॉटम जो भी बोले बनाए हैं, ये फिन निफ्टी की बात है, इधर भी सेम वे पे टॉप बॉटम ये मोर और लेस ये बनाए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे तो इधर जो भी एक काइंड ऑफ एन ये फ्लैट जोन बना रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद शार्पली चला गया, सेम चीज ये जो है इधर भी एक काइंड ऑफ एन टॉप, ये जो है छोटा मोटा टॉप बनाया है बैंक निफ्टी पे, इधर एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है, ये कोविड का फॉल के बाद भी ये बैंक निफ्टी पे इधर जो है आई थिंक आपको दिख रहे हैं कि मार्केट जो है इधर पे एक बॉटम जो है वो बनाए हैं, निफ्टी पर भी मोर और लेस सेम है। ओके, तो इधर आई थिंक क्लियरली आप लोग को दिख रहे हैं, तो सेम चीज अगर आप डेली पे देखना चाहेंगे तो भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का सेम का ही मतलब डेली का टाइम पे का डेट्स, तो इधर आई थिंक सेम ही दिख रहा है कि ये नेक्स्ट 23rd जो है तो छुट्टी था 22nd के बाद, इसलिए मैंने 25th को मार्क किया। तो इससे पहले नॉर्मली मार्केट ने क्या किए हैं, तो देखिए तीनों चार्ट को आप एक साथ देखेंगे तो आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा है कि 23rd सितंबर जो था, लेकिन इधर मार्केट ने बॉटम बनाया था कहां, 30th सितंबर। आप ट्रेडिंग डे के हिसाब से देखेंगे तो ये निफ्टी पे 1, 2, 3, 4 और ये 5th डे पे मार्केट ने क्या बनाया, तो मैं ट्रेडिंग डे का हिसाब से मैं बताऊं तो प्लस माइनस 5 डेज को हमको लेकर चलना है, एग्जैक्टली 23rd पे ही ये बनेगा ऐसा जरूरी नहीं, तो ये प्लस माइनस 5 ट्रेडिंग डेज की बात मैं बोल रहा हूँ, इसको लेकर चलना है, तो इसके आसपास एक मेजर डेट जो है
ये निफ्टी पे बोलिए, बैंक निफ्टी पे बोलिए, इस जगह पर भी ये हो रहा है। देखिए हर जगह पे ये सेम है, ये सेम जगह पे मैं कर्सर को मूव करा रहा हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ओके, तो अभी जो है इससे पहले भी आप अगर देखेंगे ना, तो सेम वे पे मार्केट ने इधर क्या बनाया है, इधर मार्केट एज इट लुक्स की इधर जो है एग्जैक्टली 23rd पे कुछ नहीं बनाया, चाहे बैंक निफ्टी की बात बोले, निफ्टी की बात बोले, या फिन निफ्टी की बात बोले। तो इससे पहले थोड़ी देर पहले इधर 21st सितंबर पे इधर जो है इधर इसने क्या बनाया था, एक छोटा मोटा बॉटम, बट उस बॉटम को मार्केट ने होल्ड किया एंड इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट ने गया, मार्केट वाज गिविंग ए गुड मोमेंटम हर जगह पर। अब इससे भी पहले आपको अगर देखना है तो आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं, तो कभी कभी ये एक दो दिन पहले, कभी कभी 3-4 दिन बाद भी सही, लेकिन ये मोटा मोटा हमारे लिए काम करते हैं। तो सेम चीज इधर भी अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो इधर मार्केट ने क्या किया है, तो इधर मार्केट ने ये बॉटम कहाँ बनाया, 24th सितंबर। तो इधर भी सेम ही है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हर जगह पर सेम है। इससे पहले भी आप अगर देखेंगे ना, तो इधर टॉप बनाए थे मार्केट कहाँ, इस जगह पे, वही एग्जैक्ट 23rd सितंबर। तो ये जो 23rd सितंबर है, इसका इंपॉर्टेंस देख पा रहे हैं, बट ये भी फेल होते हैं कभी कभी, 100% गारंटीड कुछ नहीं होते हैं मार्केट में। तो इधर देखिए मार्केट ने ये जो 2018 में क्या किया था, इन 2018 आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ ए रिवर्सल फ्रॉम हियर, क्योंकि ये जो ईयरली डेट्स होते हैं ना, ये बहुत ही फिक्स डेट्स होते हैं। तो इधर ये 24th सितंबर या 23rd सितंबर जो है, इसके आसपास जो है आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इधर से जो है मार्केट में भी कुछ इस तरीके से इधर से ये मूव करेगा, ऐसा आई वाज एक्सपेक्टिंग। बट मार्केट ने क्या किया, इधर से जो है इसके आसपास बॉटम बनाया, बट एग्जैक्टली इस रेट पे, स्पेशल निफ्टी पे कुछ खास बॉटम नहीं बनाया। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू कॉल इट ए फेलियर, क्योंकि ये बहुत दूर पे इधर बॉटम बनाए हैं, बट ओवरऑल जो है, लेकिन इससे पहले भी आप अगर देखना चाहेंगे तो सेम है, सेम इस डेट के आसपास ही एक बॉटम बना है जो इधर था 28th सितंबर पे। तो जो मैं बोल रहा था कि 4 to 5 trading days को प्लस माइनस लेकर चलेंगे, तो इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर जो जगह है इसके आसपास से मार्केट जो है कैन मेक सम काइंड ऑफ एन गुड बॉटम एंड टॉप। अब आप बोलेंगे कि अभी मैं ये 2017 तक ही क्यों दिखा रहा हूं, मैं उससे पहले भी दिखा सकता था, उसके बाद भी दिखा सकता था, उसके पीछे कारण है कि ये 2017 में इधर क्या बन रहा था। देखिए व्हाट इट लुक लाइक, इधर जो है अभी के लिए आप अगर बाकी चार्ट को छोड़िए, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, इवन फिन निफ्टी को भी, तो मोर और लेस क्या बनेगा, अगर अब मैं इसको दिखाने का कोशिश करूंगा तो डेली टाइम फ्रेम पे इट वाज लुकिंग सम काइंड ऑफ क्या फ्लैट, राइट। तो अभी बैंक निफ्टी पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी पे हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, तो बैंक निफ्टी पर भी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या, कुछ बहुत कुछ खास अलग है, ऐसा कुछ खास अलग है क्या, नहीं ना। तो मेरा बोलने का मतलब है ये डेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, बट ऐसा नहीं है कि ये कभी फेल नहीं होता, जैसे कि मैंने दिखाया 2018 पे ये इट डिडंट वर्क दैट गुड, बट ओवरऑल इट रियली इज ए गुड डेट अगर 4 to 5 डे प्लस माइनस लेकर चलेंगे तो, बट ये इंटरडे या ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटजी कामदार नहीं है। तो उसके लिए मैं जो इससे पहले जो गन स्ट्रेटजी दिखा था, मैं उस पर जाना चाहूंगा, बट ये जो है ये गन का एक वेरी बेसिक स्ट्रेटजी, बट जो रियली वर्क करते हैं वो मैंने विथ प्रॉपर प्रूफ आप लोगों को दिखाया। तो उसके साथ साथ ही मैं इधर ये जो आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था, चाहे निफ्टी पे हो या कोई भी चार्ट पे हो, मतलब बैंक निफ्टी पे हो, तो स्पेशल निफ्टी पे, एक्चुअली बैंक निफ्टी पे नहीं, आई वाज डिस्कसिंग कि इसका 1 आवर पे, यानी कि छोटा टाइम फ्रेम के लिए जो एक स्ट्रेटेजी गान का, इसका डेट कहाँ है, वही जो है 26th, 27th जो है इसका सितंबर के करीब करीब से मार्केट कैन रिवर्स। तो ये जो पार्टिकुलर जगह है 27th, 28th या 26th जो है, इसके आसपास से मार्केट कैन रिवर्स। तो इधर भी हमारा काउंट क्या है कि इट लुक्स लाइक कि सम काइंड ऑफ इट इज फॉलिंग इन फाइव वेव्स या ऐसे ही कुछ, जो हमको स्पेशली बैंक निफ्टी पे और क्लियर है। तो इसीलिए इस डेट के आसपास से आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ ए रिवर्सल। अब क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या है मेरा लॉजिक, वो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर मेरा लॉजिक क्या है, और इससे पहले भी ये जो डेट्स है ये कैसे काम किया है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहे हैं, इधर ये अच्छा खासा काम नहीं किया, बट बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क, इधर भी रिवर्सल, इधर भी रिवर्सल, इधर भी रिवर्सल, इधर भी रिवर्सल। ओके, तो व्हाट आई एम करंटली एक्सपेक्टिंग जो है, मतलब इस पर्टिकुलर अगर जगह की बात करें, तो इधर से आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ ए रिवर्सल टू। तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा मार्केट क्या करेगी, ये तो मार्केट के ऊपर है, बट ये जो पार्टिकुलर जगह है टाइम के हिसाब से, आज जो मैंने डिस्कशन किया, इट इज मोर अबाउट टाइम, लेस अबाउट प्राइस, क्योंकि ये टाइम कॉन्सेप्ट जो है, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे ज्यादा फोकस करने के लिए। सो हियर आई थिंक यू कैन क्लियरली सी दैट व्हाट मार्केट माइट बी डूइंग, कि मार्केट माइट रिवर्स फ्रॉम दिस गन डेट्स, इट इज इन निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम एंड द रेस्ट
what I have shown here, I mean shown in the just the previous slide, it is all about Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, but yearly dates. Okay, so that is mostly for the long term purpose ki aane wale ek do mahine ke liye ya एक दो एटलीस्ट हफ्तों के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट मार्केट माइट बी डूइंग फॉर द 1 to 2 weeks, एंड इट इज फॉर व्हाट मार्केट माइट बी डूइंग इमीडिएटली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज टू कम. ओके, तो इन केस में अगर वीडियो बना नहीं पाया तो फिर भी आई थिंक आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया रहेगा कि इस पर्टिकुलर जगह या डेट्स के आसपास हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था. ओके, और बाकी ऑब्वियसली इसके बाद मैं 1 मिनट 5 मिनट पे जैसे कि अपडेट देता हूँ, वो तो मैं अपडेट करते रहूंगा जितना हो सके. तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये इतना बड़ा वीडियो बट इतना बड़ा और ज्यादा नॉलेज जो है ये भी पसंद आए होंगे. तो आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो. अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर.